आईपीएल 2023 का 66वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफी ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्लेऑफ में अगर आरसीबी टीम अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहती है तो फिर उनको ये मुकाबला जो कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला गया उसको अपने नाम करना ही करना था। और मेन मौके पे आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने उनका मोहरा थामा, कहते हैं कामेदार कामेद द मैन, और ऐसा ही कुछ विराट कोहली ने आज करके दिखाया कि जरूरत पड़ने पे सबसे अनुभवी बल्लेबाज और सबसे दिग्गज क्रिकेटर वर्ल्ड क्रिकेट के विराट कोहली ने एक मोहरा थामा, एक इंड थामे रखा और शानदार शतक की पारी ठोककर आरसीबी को इस मुकाबले में जीत दिलाई। और ये जीत उनके पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जो चांसेस हैं उसको और मजबूत कर दिए हैं। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 टीमें जो कि प्लेऑफ के दौड़ में बनी हुई हैं और उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कितने हैं। उन सभी चीजों की हम अपने इस रिपोर्ट में समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले एक नजर पॉइंट्स टेबल पे डाल लेते हैं कि किस टीम का क्या पोजीशन है और कौन सी 5 टीमें हैं जो कि प्लेऑफ के दौड़ में बनी हुई हैं। अगर हम बात करें, गुजरात टाइटंस टॉप पे है एज यूजुअल, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा 18 पॉइंटों के साथ, सीएसके 15 पॉइंटों के साथ दूसरे, एलएसजी तीसरे और इस मैच में जीत के साथ आरसीबी 5वें से 4थे पहुंच गई है 14 पॉइंट, और इनका नेट रन रेट पॉजिटिव है जो कि इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो कि 16 पॉइंट पे पहुंच तो सकती है लेकिन इनका नेट रन रेट निगेटिव है, जिस कारण अगर आरसीबी टीम अपना आखिरी मुकाबला जीतती तो फिर उसका जो क्वालिफिकेशन का चांसेस है वो श्योर हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के अब दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि आरसीबी मुंबई इंडियंस 14 पॉइंटों तक पहुंच चुकी है, तो मतलब जो 14 पॉइंट वाली टीमें हैं, चाहे आरसीबी, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे केकेआर हो, चाहे पंजाब किंग्स हो, इन सभी के रास्ते लगभग अब शट डाउन हो गए हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बहुत हल्का फुल्का बचा है, अब यहां पर आरसीबी बहुत बड़े अंतर से हार जाए तभी जाकर इन सभी टीमों के दरवाजे खुल सकते हैं, अन्यथा यहां पर शट डाउन हो चुके हैं सारे दरवाजे। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी टीम होड़ में बनी हुई है और उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कितने हैं। अगर हम इस स्क्रीन पर नजर डालें तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि गुजरात टाइटंस पहली टीम है और एकमात्र टीम है जो 66 मुकाबलों के बाद अपना जगह सुनिश्चित कर पाई है प्लेऑफ में, और ये टॉप पर भी रिमेन रहेंगे, यानी कि अब 18 पॉइंट तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर लीग फेस के बाद गुजरात टाइटंस ही इंड करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें अब लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के चांसेस की, तो यहां पे एलएसजी और लखनऊ सुपर जायंट्स में 2 में से 1 टीम कंफर्म्ड हो चुकी है कि ये पहुंचेगी क्योंकि इनके 15 पॉइंट हैं और 15 पॉइंट पे जरूर है कि एक टीम पहुंच ही सकती है, क्योंकि यहां पे अगर आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, फिर मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मुकाबला जीत जाएगी तो 16 पॉइंट इनके हो जाएंगे, एक टीम बचेगी। अगर सीएसके और लखनऊ दोनों अपना आखिरी मुकाबला हार जाते हैं तो इनके पहुंचने के चांसेस एक टीम के बने रहेंगे। वहीं अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लें नेट रन रेट के आधार पे, सीएसके के 91% चांसेस हैं तो वहीं एलएसजी के 90%, मतलब इन दोनों में से एक टीम का अब तय है कि ये प्लेऑफ में अपना जगह बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीएसके और एलएसजी, अगर अपना आखिरी दोनों मुकाबला जीत जाते हैं फिर दोनों टीमें कंफर्म्ड हो जाएंगी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे आरसीबी टीम आती है जो कि 4थे स्थान पे इस समय पॉइंट्स टेबल में है। इस जीत के साथ जो इनका प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 33% थे अब वो 61% हो गए हैं, यानी हार के बावजूद भी आरसीबी टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मुकाबला हार गई तो फिर आरसीबी टीम उसके बावजूद यहां पे पहुंच सकती है। और अगर हम बात करें आरसीबी टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत गई तो इनके जीतने के कंफर्म चांसेस होंगे, मतलब अब आरसीबी का जो भविष्य है 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला है वो तय करेगा कि आरसीबी अपने बूते पहुंचेगी या किसी के रिजल्ट के ऊपर यहां पे प्लेऑफ जगह बनाएगी। अब 5वीं टीम मुंबई इंडियंस के लिए बात कर लेते हैं, इनका 52% चांसेस घटकर आ गया है, 21 मई को इनका हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला है, मुंबई इंडियंस को हर हाल में यहां पे जीत पानी ही पानी है, उसके बावजूद इनके पहुंचने के चांसेस कंफर्म नहीं रहेंगे क्योंकि एलएसजी अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, सीएसके अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है तो फिर मुंबई इंडियंस यहां पे जीत के बावजूद इनको फिर बहुत बड़े नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा, हैदराबाद को बहुत बड़े अंतर से हराना पड़ेगा, जिस कारण इनके चांसेस घट जाते हैं। वहीं अगर हम इनके पहुंचने के चांसेस की बात करें तो एलएसजी या सीएसके में से कोई एक टीम अपना आखिरी मुकाबला
मुकाबला हार जाए, उसके बाद ये अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं मुंबई इंडियंस सनराइजर हैदराबाद से जो होगा, तो फिर इनका कंफर्म चांसेस हो जाएंगे। वहीं आरसीबी टीम भी अगर अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है तो ये जीतकर टॉप फोर में अपना जगह बना सकते हैं। तो कुछ समीकरण है, तो यहां पर मुंबई इंडियंस का डगर पनघट का थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि अब इनको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना है, बल्कि इनको प्रे करना है कि आरसीबी एलएसजी या सीएसके में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, हारे तो और उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मुकाबला जीत जाए। तो ये सारे सिनारियो मुंबई इंडियंस के लिए बचे हुए हैं और उनके चांसेस थोड़ा सा स्लिम हो गए हैं, बट जो आरसीबी के चांसेस हैं वो उनके हाथ में है, सीएसके के चांसेस उनके हाथ में है, एलएसजी के चांसेस उनके हाथ में है। ये तीनों टीमें अगर प्ले अपना आखिरी मुकाबला जीतती हैं तो प्ले ऑफ में भी अपनी जगह बना लेंगी। तो आज के रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।